3, 2, 1. भारतीय लोकोमोटिव वर्ग या भारत में लोकोमोटिव की संख्या बहुत सारी है, लेकिन उनमें से एक है WDP-3A। बोलचाल की भाषा में इसे पुष्पक भी कहा जाता है, और आज हम इसी वीडियो में इसकी पूरी डिटेल के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, इंडियन रेलवेज विद DRX स्वागत करते हैं एक और न्यू वीडियो इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है WDP-3A, यानी कि अपना पुष्पक लोकोमोटिव। इसका नाम पुष्पक क्यों पड़ा इसके बारे में तो अपन बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं इसका पूरा नाम। मॉडल का नाम ब्रॉडगेज यानी कि वाइल्ड, डी मतलब डीजल और पी मतलब पैसेंजर लोकोमोटिव के साथ 3100 हॉर्स पावर 3A के लिए ये फेमस है। और WDP-2 के बाद का विज्ञान जो है, यानी कि उत्पत्ति जो है, वो WDP-3A तैयार किया गया। और 1998 और 2001 के बीच कुल 44 WDP-3A बनाए गए। जो कंपनी है जिसने इसे बनाया है वो अपने भारत में ही है, जिसका नाम है बनारस लोकोमोटिव वर्कर्स, डीजल लोकोमोडलाइजेशन वर्कर्स। जी हाँ दोस्तों, और निर्माण की जो तारीख है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, वो है 4 अक्टूबर 1998 से 1 फरवरी 2001 तक। तो इसकी कुछ खास बात ये है कि इसका जो वजन है वो है 38,600 पाउंड, यानी कि 117 टन का तो इसका वजन है, और एक्सल लोड जो है वो है 17,500 kg। आप समझ रहे हैं। और इसके साथ ही इसकी जो गति है यानी कि स्पीड है वो 120 किलोमीटर प्रति घंटा, 75 मीटर प्रति घंटा। और पावर माउस की बात करें तो WDP-3A 3100 हॉर्स पावर कि जो इसके अंदर इंजन लगा हुआ है वो है। और इसके जो नंबर है वो है 15501 15544 तक। भारत में पाए जाने वाले सबसे तेज एल्को आधारित लोकोमोटिव है। सामान्य रूप से अधिकतम गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो प्रमुख इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के बराबर है। WDP-3A 24 से अधिक वर्षों तक IR की सेवा की, इंडियन रेलवेज की सेवा की। इन लोकोमोटिव की एक महत्वपूर्ण संख्या अभी भी उपयोग में है, मेनलाइन और विभागीय कर्तव्य दोनों पर। जून 2022 तक कुछ लोकोमोटिव अभी भी WDP-3A के रूप में मेनलाइन पर ऑपरेशन स्टेट को कायम करते हैं। और आगे के उदाहरणों को समाप्त करते हुए अपने इसका इतिहास पढ़ते हैं। यहाँ दोस्तों, 1 अक्टूबर 1998 में WDP-2 का नाम दिया गया, जिसे फरवरी 2001 तक भारतीय रेलवे रोड संख्या 15501 से 15544 यानी कि टोटल 44 इकाइयों का उत्पादन किया गया था, जिसमें DM-2, WDM-3A, WDM-3A और WDG-3A, WDP-1 लोगों के अन्य एक्सों से निर्मित अलग अलग धोरी कैब का फॉरवर्ड डिजाइन था। जी हाँ दोस्तों, इन नए लोकोमोटिव में कई इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के समान नियंत्रण स्टैंड है, जैसे कि WDM-3A। यह एल्को प्लेटफॉर्म पर हाई स्पीड लोको बनाने का IR का प्रयास था, लेकिन WDP-3A की संभावना को मारने के लिए EMD लोको उच्च HP रेटिंग के साथ बेहतर प्रदर्शन के साथ आए। इन इकाइयों में केवल एयर ब्रेक है और गियर का अनुपात 64:19 है। इन लोगों को यानी कि WDP-2 शुरू में चेन्नई अमोर कन्याकुमारी सेक्शन में पेश किया गया था, जिसमें पलवन एक्सप्रेस, वेगई एक्सप्रेस, रोक फोर्ट एक्सप्रेस और नेलई एक्सप्रेस और पोथीगई एक्सप्रेस जैसी कई प्रतिष्ठित ट्रेन शामिल हैं। WDP-3A के साथ एक समस्या यह थी कि यह स्पोर्टिंग की दिशा में ड्राइविंग केबिन के अंदर असंगत रूप से गर्म हो जाएगा, यानी कि अगर इसे कोई चलाएगा तो वही उस लोको पायलट को सलाम है, क्योंकि यह इतना गर्म होता है अंदर से कि चलाने वाला भाई सहन नहीं कर सकता। गर्मी में तो और भी ज़्यादा
गर्म होता है, इसलिए इसका नाम टोस्टर रखा गया। और WDP-3A को त्रिवेंद्रम राजधानी और बाद में मुंबई करमाली तेजस एक्सप्रेस अपनी कोंकण रेलवे के माध्यम से चलने के लिए जाना जाता था। अकेले ही 120 किलोमीटर प्रति घंटे की हाई स्पीड पर 2018 में GOC ने WDP-3A लोकोमोटिव के एक जोड़े को DMW पटियाला में राइडिंग आराम के लिए बेहतर बोगियों के साथ फिर से बनाया गया था। हालांकि उम्र के मुद्दों और बोगी के तहत दरार के कारण DLS, GOC और कल्याण के WDP-3A लोकोमोटिव को यात्री रेल धीरे धीरे पीछे ले गए और विभागीय रैकेट को तोड़ने के लिए चले गए। 2021 में GOC ने अपने सेट में सभी WDP-3A को वापस लेने की घोषणा की और कुछ WDP-3A को स्क्रैपिंग के लिए पोनमाई वर्किंग में भेजा गया। 15501 को संरक्षित किया गया। जनवरी 2022 में कल्याण DLS के सभी WDP-3A लोकोमोटिव की डिसीजन की घोषणा की गई और DLS में रद्द कर दिया गया। हालांकि अभी जो लोकोमोटिव सेड है वो उत्तर रेलवे में तुगलकाबाद यानी कि TKD मात्र 20 है और दक्षिण रेलवे में गोल्डन रोक जो है GOC उसमें 3 है। हम कह सकते हैं मार्च 2023 यानी कि सक्रिय कुल लोकोमोटिव 23 यानी कि 23 है। जी हाँ दोस्तों, WDP-3A टोटल 23 है। और खास बात यह है कि WDP-3A श्रीगंगानगर में भी उपस्थित है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और जी हाँ दोस्तों, कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। जय हिंद दोस्तों।